नमस्कार मित्रों, पोरबंदर प्लान डायरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमने आइसक्रीम के 7-8 कप में कुछ सीडलिंग्स लगाई थी, जिसमें से कुछ सीडलिंग्स हुई जिसका मैंने अपडेट आपके साथ शेयर किया था। और काफ़ी सारे ऐसे भी सीडलिंग थे जो कि अभी तक उनका कुछ प्रोग्रेस आगे नहीं हुआ था। तो उसमें से आपको याद होगा कि मैंने चीकू के सीड्स भी लगाए थे, तो चीकू भी वो ग्रो नहीं हुआ था। वो मैंने एक्चुअली उसको मैं लगाया था ये वाला कोको कोला कंटेनर में, तो वो भी ग्रो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने आज उसमें से निकाला, तो एक्चुअली अब मुझे पता चला कि चीकू का जो जर्मिनेशन है वो बहुत स्लो होता है। तो इतने दिनों के बाद, तकरीबन आई थिंक 1 महीने के बाद, उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो सिर्फ टूटा है। तो ये अगर देखें तो ये उसके ऊपर का लेयर था, और उसके बाद अंदर से ऐसा सीड निकला। तो क्योंकि अभी भी ये हेल्दी कंडीशन में है, तो हम इसको वापस से दोबारा इसको ग्रो करने के लिए रख देंगे। तो हमारे पास वही आइसक्रीम का कप है, इसी के अंदर हम ग्रो करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सीड्स अंदर डाल दिया है और उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक देंगे, और थोड़ा सा ही अभी पानी देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है ही, इसलिए इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे पास मनी प्लांट में से भी एक छोटा सा अभी न्यू बोर्न बेबी टाइप कटिंग निकला, जो कि ये है। अब देखोगे कि काफ़ी 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 छोटा है ये, लेकिन बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो इसका भी हम जो है इस दूसरे वाला जो आइसक्रीम का कप है उसके अंदर हम इसको भी ग्रो करने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने खड्डा करके इसके अंदर रख दिया है। अब इसको एक्स्ट्रा मिट्टी से इसके सारे रूट्स, जब तक रूट जितना पार्ट है उसका, उतना हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके रूट को हमने कवर कर लिया है, वहाँ तक मिट्टी डाली है। अभी ऑलरेडी मिट्टी तो गीली ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कुछ बूंदे पानी की इसके अंदर डाल देंगे, और कुछ दिनों के लिए इन दोनों को हम अंदर अपने कमरे में ही रखेंगे ताकि ये डायरेक्ट इनको सनलाइट ना मिले। और कुछ दिनों के बाद इनका अपडेट मैं वापस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल से अब जो है ये चीकू का सीड का जर्मिनेशन चालू हो जाना चाहिए, तो कुछ पत्तियाँ वगैरह निकलनी चाहिए। तो जैसे ही इसके अंदर जर्मिनेशन होगा, मैं वापस से आपका अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई गलती हो तो भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।